सुगा इतने टाइम से मिलिट्री में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके बारे में कोई खास न्यूज हमें पता नहीं चलती थी और बीटीएस के बाकी मेंबर्स की तरह सुगा के बारे में ज्यादा कुछ आता भी नहीं था। लेकिन सुबह सुबह सुगा को लेकर जो खबर आई है वो काफी शॉकिंग है और बीटीएस आर्मी उसे सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो गई है। तो पता चला है कि रिसेंटली सुगा कल रात को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और पुलिस ने उनके ऊपर जांच जारी करी है। हाँ दोस्तों, ये सुनने में काफी शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और दोस्तों, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सुबह सुबह बिगिट ने इसके ऊपर एक नोटिस भी निकाला है और खुद सुगा ने व्यूवर्स पर एक अपोलोजाइजिंग पोस्ट भी लॉन्च करी है, जिसके बाद बीटीएस आर्मी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई है। तो दोस्तों, सुबह सुबह बिगिट का नोटिस आया, जहां बिगिट ने बताया कि कल रात को ना सुगा एक गाड़ी चला रहे थे जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बोलते हैं। तो रात को सुगा काफी ज्यादा ड्रंक थे और वो इलेक्ट्रिक किक बोर्ड चलाते हुए एक हेलमेट पहनकर अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन 500 मीटर आगे ही सुगा गिर गए जब वो पार्क कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में थे और वहाँ पर पुलिस उनकी मदद करने आई। लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस को ये पता चला कि सुगा नशे की हालत में है, जिसकी वजह से वो सुगा को पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पर उनका टेस्ट किया गया। आपको पता ही है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा गलत और इलीगल काम है। और दोस्तों, इसी वजह से सुगा ने बताया और बिगिट ने बताया कि वहाँ पर उन्हें बहुत ही भारी फाइन पड़ा। और दोस्तों, सुगा का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी पुलिस ने रद्द कर दिया है इसके बाद, क्योंकि सुगा ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई जो कि काफी ज्यादा गलत था। हालांकि बिगिट ने बताया है कि कोई भी और दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि सुगा ने नशे की हालत में किसी को गाड़ी से मार दिया हो या ठोक दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा, ना ही सुगा किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व हुए कोई लड़ाई भिड़ाई में, इसलिए किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद सुगा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और ये भी बताया गया कि पुलिस की कस्टडी में ही सुगा को घर छोड़ा गया।